चेहरे के अनचाहे बालों से आप परेशान हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और आपको फायदा 100% मिलेगा। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में और मैं हूँ मोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। आपने इसका इस्तेमाल करना है हफ्ते में एक बार और इस वीडियो में आपके लिए है प्रिकॉशंस, इन्फॉर्मेशन, टिप्स। तो वीडियो को देखिए पूरा ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे चेहरे पे इतने बाल होते क्यों हैं? क्या सबके चेहरे पे होते हैं या हमारे ही चेहरे पे हैं? तो दोस्तों आपने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया है, तो आपने क्या करना है, फटाफट से अपने आप को चेकअप करना है, एकदम मतलब स्टड डॉक्टर की तरह, कि कहीं आपके हॉर्मोन्स का कुछ अनबैलेंस सिस्टम तो नहीं चल रहा है। अगर हमारे हॉर्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं तो ये पहला सिम्टम, मतलब बहुत सारे ऐसे सिम्टम है, मैं आपको थोड़े थोड़े बताती हूँ। चेहरे पे बाल आना अचानक से, ये वही एक सिम्टम है। उसके लिए आप इस्तेमाल करें सीड्स थेरेपी। मैं उसका लिंक दूंगी आपको, हॉर्मोन्स अनबैलेंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा डिटेल में एक वीडियो है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस वीडियो में मैंने सीड्स थेरेपी बताई है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है उसको, सब डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, तो आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया पहला कारण हॉर्मोन्स अनबैलेंस होने का, इसके अलावा क्या? इसके अलावा जो हमारे बाल होते हैं वो, मतलब चेहरे के फेशियल हेयर्स जिसको हम बोलते हैं ना, फेशियल हेयर्स थोड़े से स्किन कलर के होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मोनोपोल्स के बाद क्या होता है कि वो थोड़े से डार्किश कलर में दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही अम्बेरसिंग हो जाता है कभी कभी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, हॉर्मोन्स अनबैलेंस है इसकी वजह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले आपको वो वाला जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन ढूंढिए आप, तो सीड्स थेरेपी उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अपने फेशियल हेयर्स निकालना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप होम रेमेडी का इस्तेमाल करें, जैसे मसूर दाल का आटा होता है वो आप लगाएं, और रेगुलरली अगर आप लगाते हैं और बालों की अपोजिट डायरेक्शन में उसको अगर निकालेंगे तो क्या होता है, बालों की ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है उससे, ठीक है, लेकिन उसके रिजल्ट मिलते हैं थोड़े लेट। वो वीडियो भी मैंने बनाया है, उसका भी मैं आपको लिंक देने वाली हूं, यहां जरूर देखिएगा। तीसरा जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो ये है कि आप होममेड वैक्स का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप अच्छे से, मतलब 3-4 बार मतलब हाथ पे या पैर पे वो वैक्स स्ट्रिप लगा के इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो क्या होता है कि एक बार हमने स्ट्रिप लगाई, आधी मूछ निकल जाती है, आधी मूछ रह जाती है, उस पर हम दोबारा से स्ट्रिप लगाते हैं तो क्या होता है, स्किन निकल जाती है कभी कभी। वैसे होममेड वैक्स अगर हम बनाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बना रही हूं मैं कि आप लोगों के काफी प्रश्न थे कि उससे भी फायदा नहीं, उससे भी फायदा नहीं, ठीक है। एक और वीडियो बनाया है मैंने, इससे भी फायदा मिलता है। मैदा जो होता है या कॉर्न फ्लेक्स जिसको हम, नहीं कॉर्न फ्लावर जिसको हम बोलते हैं, भुट्टे का जो आटा, छल्ली होती है ना येलो कलर का, उसका जो आटा होता है येलो कलर का एकदम बारीक, उससे एक होम रेमेडी मैंने बताई है, उसको भी आप ऐसे पील ऑफ मास्क जैसे लगा सकते हैं। मुझे काफी फायदा हुआ है उससे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमको नहीं फायदा मिला है। मैं उसका भी लिंक यहाँ दूंगी, बहुत अच्छी है, लेकिन मतलब सडनली ऐसा नहीं चेंज आ जाएगा कि हाँ भाई ये लगाया और ये निकल गया, बट हाँ इस चीज की गारंटी है कि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना उसके फायदे आपको इंस्टेंट मिलेंगे और आप देखिए मतलब चौंक जाएंगे आप एकदम से, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं आज की होम रेमेडी। आज की होम रेमेडी है बहुत आसान, तो हम बना के देखेंगे और हम इस्तेमाल करके देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने लगाना है, किस तरह से मतलब किस चीज का ध्यान रखना है इसको इस्तेमाल करते दौरान। तो चलिए हम होम रेमेडी बना के देखेंगे और लगा के देखेंगे।
तो देखिए इस तरह से मैंने एक कटोरी ले ली है, ये है दूध, दूध आपको लेना है थोड़ा गुनगुना सा, ये है मुल्तानी मिट्टी और है जी जेलेटिन पाउडर, ठीक है। इसके ब्रांड पे ना जाएं, आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, लेकिन परेशान ना होए कि ये मैडम कहीं पता नहीं कौन सी मशहूरी कर रही है किसी चीज़ की, बिल्कुल परेशान ना होए। आधा चम्मच आपने लेना है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मैं सिर्फ मूछे और ये अपने कान के पास जो थोड़े थोड़े बाल होते हैं वही हटाने वाली हूँ। तो आप अपने मतलब देख लीजिए कितनी क्वांटिटी बनानी है आपको, ठीक है, तो आप उतनी ही बनाएं। जेलेटिन पाउडर आपने लेना है आधे से थोड़ा सा ज्यादा चम्मच, ठीक है, इतना हो गया, इसकी जरूरत नहीं है अब हमको, रख देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हम इसमें मिक्स करने वाले हैं दूध। दोस्तों दूध आपने लेना है गरम जैसा मैंने बताया, और साथ साथ में डालेंगे जब तो मिक्स जरूर करते जाएं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ साथ में प्रिकॉशंस, क्योंकि आपने ना इसमें मिक्सिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा, आपको मिक्स बहुत देर तक आपको करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको प्रिकॉशंस भी बताती हूँ कि ये जो मैंने मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल की इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है अच्छे से, ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने चेहरे पे लगाते हैं इसको, चलिए, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, चेहरा कर लेना है क्लीन, ये मैंने यहां से साफ कर लिया है, और उस पे आपने इस तरह से आपने देखना है कि बाल कितने ज्यादा हैं, अगर ज्यादा हैं तो लेयर मोटी लगा सकते हैं आप इस तरह से। यहाँ मेरे बाल काफी हैं, पर मैं पूरे उस पर नहीं लगाऊंगी, इतनी लगाऊंगी कि बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये हो गया है। अब हम इंतजार करेंगे कम से कम 15 मिनट, तो इसको ड्राई होने देते हैं और मैं आपको ड्राई होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गए हैं मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये ड्राई हो गया एकदम से, और ड्राई भी ऐसा हुआ है ना, देखो इससे कोई भी बाल छूटने की कोई आशंका नहीं है। ये देखिए इस तरह से आपने अपोजिट डायरेक्शन में उसको धीरे धीरे से खींचना है, सारे बाल फेशियल हेयर्स इससे निकलते हैं, देखिए इस तरह से। थोड़ा आराम से बहुत धीरे धीरे निकालिए, ये हो गया है इस साइड का। अब मैं अपोजिट डायरेक्शन इस साइड से निकालती हूं, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है क्योंकि वो अच्छे से चिपकता है स्किन पे, और बाल निकालेगा तो थोड़ा सा ऐसे पेन होता है, लेकिन तो अपोजिट डायरेक्शन यानी इस साइड से भी ऐसे निकाला है मैंने, ओ गॉड। ये देखिए श्योर कि आपको दिख रहे होंगे यहां बाल, ये देखो। अब हम ये साइड के भी निकाल लेते हैं ऐसे ही, पूरा ड्राई होने के बाद। और ये जो बचा है ना इसको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी आपने ऐसा रफ तरीके से नहीं खींचना है, याद रखिए अगर आप ऐसे खींचेंगे तो स्किन निकल सकती है, उससे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, और हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए
ये भी ऐसे ही निकाल लेना है हमें। यहां बाल ज्यादा होते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लंबे लंबे बाल दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये इस तरह से निकल जाएगा। बचा हुआ भी आपने धीरे धीरे निकालना, बहुत धीरे धीरे निकालिए, क्योंकि पेन होता है थोड़ा इसे, क्योंकि स्किन स्किन नहीं मतलब बाल निकलते हैं, फेशियल रोम जो होते हैं ना पतले पतले, वो सब निकल जाते हैं इससे। अच्छा हो गया, क्लीन हो गया है चेहरा एकदम से, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको इस तरह से आप निकाल दो। थोड़ा सा दिल ऐसे हार्ड करके आपको निकालना पड़ेगा बट कोई बात नहीं, वो निकल जाते एकदम से। ठीक है, ये देखो इस तरह से हो गया है। अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी जब इतना रह गया, आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है पहले, बिना हाश हुए। हाँ, ऐसा नहीं, बहुत तेज रब नहीं करना है आपने, इसको अच्छे से निकाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, स्किन हो गई है बहुत नाजुक एकदम कोमल, हाँ आप कोई ऑयल ले लीजिए या कोई अपना फेवरेट क्रीम मॉइस्चराइजर जो भी आप लगाते हैं। मैंने ये कोकोनट ऑयल लिया है। आपने इस तरह से पूरे चेहरे पे जहां भी आपने ये बाल निकाले हैं आपने लगा लेना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि ये वाला वीडियो तो आपके लिए 100% काम का होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट मैंने खुद ट्राई किए, खुद पे ट्राई किए हैं, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं और काफी फायदा भी हुआ है। तो इसी तरह आप भी इसका लाभ उठाएं और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आपने इसी तरह हंसते रहना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए। बाय बाय।